अगर आप 2022 में YouTube के थ्रू ज्यादा ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, YouTube चैनल खोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 11 ऐसे आइडियाज प्लस बोनस आइडियाज जो आपको एक ज्यादा से ज्यादा हाई इनकम YouTube चैनल खोलने में मदद करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा व्यूज नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल मतलब आपको ज्यादा व्यूज जो होते हैं, अगर आप उनके कंपैरिजन में आपके चैनल पर कम व्यूज में भी उन ज्यादा व्यूज से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये इनकम आइडियाज कौन कौन से, वो सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानविंदर चौधरी एंड वेलकम टू डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में हम ऐसे आइडियाज की बात करेंगे जहां पर आपको लाखों में व्यूज तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको कम व्यूज आएंगे, लेकिन उन्हीं कम व्यूज पर आपको इतने पैसे जनरेट होंगे जितने लाखों वाली व्यूज वाली चैनल पर भी नहीं होते। तो ऐसे आइडियाज को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको आपका कंटेंट सिर्फ व्यूअर्स के लिए नहीं बनाना है, आपको आपका कंटेंट इस तरह से बनाना है कि आपको व्यूअर्स को तो पसंद आए ही, साथ ही साथ आपके ब्रांड को भी पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई एक टेक चैनल है जिसमें मेक मनी ऑनलाइन वाली चैनल है जिसमें आप मेक मनी ऑनलाइन के तरीके बताते हैं और आपके व्यूअर्स को काफी पसंद आते हैं, साथ ही साथ आप जो कुछ ब्रांड्स है, जो जैसे कि अपस्टॉक्स है, कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो कि स्टॉक से रिलेटेड है, कुछ तो बेटिंग से रिलेटेड है, या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ ऐप्स हैं, उनको आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है अगर आप कुछ ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो वो आपको भर भर के स्पॉन्सरशिप देंगे। प्लस जब वो एड्स चलाएंगे तो आपके चैनल पर एड्स चलाने के लिए ज़्यादा बिडिंग करेंगे। नॉर्मल अगर आपकी अर्निंग से रिलेटेड चैनल है, दूसरी एक किसी की जो है एंटरटेनमेंट यानी कॉमेडी चैनल है, तो सेम आपके दोनों की चैनल पर सेम एड चलेगी, लेकिन उसी एड का आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसको कम मिलेगा। तो ये यहाँ पर ऐसा होता है। दूसरी बात, आपकी वीडियोस कहाँ देखी जा रही है, अगर आपकी वीडियोस किसी गांव में देखी जा रही है तो आपको कम पैसे मिलेंगे, किसी इंडिया के शहर में देखी जा रही है तो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, आपकी अमेरिका में वीडियो देखी जा रही है तो फिर तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाला है। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक फंडा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे चैनल आइडियाज के बारे में, 11 प्लस कुछ बोनस आइडियाज के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आइडिया से। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट है, वो है अफिलिएट मार्केटिंग। आप अपने चैनल को अफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बता सकते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करती है, अफिलिएट मार्केटिंग कहाँ से कर सकते हैं, बेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट। आप अफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड सारी की सारी वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें आप अफिलिएट प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हैं। आप जैसे कि हम किसी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाए तो हम होस्टिंगर को पिच करते हैं, होस्टिंगर को मतलब प्रमोट करते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले तो अफिलिएट लिंक भी नीचे दे सकते हैं आपके डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, कोई ऐसे ब्रांड है जिनके अफिलिएट प्रोडक्ट हैं तो वो आपको सामने से पिच करेंगे। तीसरा, आपको आपके चैनल पर ऐसी एड्स चलेंगी, महंगी महंगी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, जिसमें आपका RPM काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉर्मल चैनल की तुलना में आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड वीडियो बनाते हैं तो। दूसरा आइडिया वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अराउंड काफी सारी चीजें जाती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इथेरियम का नाम सुना होगा, उसके अलावा Web 3.0 है, NFTs के आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यानी कि आप क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, NFT इन सब के अराउंड आपके चैनल बना सकते हैं। आप इनके बारे में बात कीजिए कि कौन सी क्रिप्टो ज़्यादा अच्छी चल रही है, क्या आपको NFT में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे आप यहाँ से कमा सकते हैं पैसे, आप किस तरह से, इन शॉर्ट मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको शायद अगर आपको पता है तो आप इसके अराउंड में आपकी चैनल बना दिए। और यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा महंगी एड्स चलती है, कॉइन स्विच, कुबेर है, फिर यूनो कॉइन है, इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप से भी भर भर के पैसा मिलता है, प्लस एड्स के थ्रू भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्निंग होती है, यहाँ पर भी RPM काफी ज्यादा हाई जाता है। तीसरा नीस आइडिया वो है हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। इन तीनों चीजों के अगर अराउंड आप अपनी चैनल बना सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आपने साथ प्रांजल कामरा सर को देखा होगा, वो अपने चैनल के ऊपर स्टॉक से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियो बनाते हैं, फिर वहां पर इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, और वहां पर फिर जो अपस्टॉक्स हैं, उसके अलावा जीरोधा है, ऐसी जो है ब्रांड्स के काफ़ी ज़्यादा एड्स चलते हैं। प्लस यहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप भी बहुत अच्छी मिलती है, प्लस यहाँ से आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अपस्टॉक्स का फॉर एग्जांपल मैं अपस्टॉक्स लूँ या फिर ग्रो लूँ, इस तरह की जो है वेबसाइट है वहाँ पर मैं बोलूँ कि मेरी लिंक से आप वहाँ पर जाके साइन अप कीजिए, तो आपको यहाँ पर अफिलिएट इनकम भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारा ई कॉमर्स, शॉपिफाई, वूकॉमर्स या फिर प्रिंट ऑन डिमांड। आप इन सब चीज़ों के अराउंड अपने वीडियोस बना सकते हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स स्टोर्स खोल सकते हैं, कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं, कैसे प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट ऑन डिमांड जो है स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं,
किस तरह से कमाना होता है, कैसे इनकी एडवर्टाइजमेंट होगी, कैसे इन्हें प्रमोट करेंगे, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। और यहाँ से भी आपको काफी ज्यादा महंगी जो है एड्स आपकी चैनल पर चलने वाली है और आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होने वाली है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल, वैसे तो स्टॉक के अंडर में ले सकते हैं लेकिन आप फाइनेंशियल में बेसिकली क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल चीजों को खरीद कवर कर सकते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया किसी चीज का, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप एजुकेशनल प्लानिंग कैसे करते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप इन सारी चीजों को फाइनेंशियल के अंदर ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको काफी सारे लोन वेबसाइट वाली लोन जो सर्विसेज लेती है वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप लीड जनरेट करके उन्हें दे सकते हैं। प्लस यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर और भी ज्यादा क्या बोलते हैं व्यूज के ऊपर जो अच्छी अच्छी एड चलेगी, महंगी महंगी एड चलेगी, वहां से भी आपको काफी ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट होने से वहां से आपको काफी तगड़े पैसे मिल सकते हैं, वो है हमारा प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस तरह के रिव्यूज। आप प्रॉपर्टी को रिव्यू कर सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, कैसे घर बनाना चाहिए, कैसे उसका जो सारा काम होता है, कैसे सब लोन होता है, उसका प्रोसीजर होता है, कैसे मतलब कुछ भी हो, मतलब आपकी फील्ड हो सकती है। अब इन शॉर्ट आपको होम रिव्यू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिव्यू कर सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, फ्लैट से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो है होम्स जो या फिर घर बेचती हैं ऐसी कंपनी से आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी एड्स चलने वाली है, लोन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महंगी एड्स चलने वाली हैं। प्लस अगर आप किसी एक फॉर एग्जांपल किसी एक ब्रोकर के लिए एक लीड भी ला दें और अगर वो लीड कन्वर्ट हो सकती है, आप उसे पहले बात कर लीजिए कि भैया हम आपको लीड देंगे, अगर कन्वर्ट हो तो आप हमें 0.5% या 1% भी आपको कमीशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की भी तो उसका आपका अगर 1% 0.5% भी मिले तब भी आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा वहाँ से कमीशन मिल सकता है। उसके बाद हमारी एडसेंस की अर्निंग तो है, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी एड चलने वाली, वहाँ से भी आप तगड़ी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नीज़ है वो हमारे ब्लॉगिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट, इस तरह से आप इस तरह की चैनल बना सकते हैं जो कि हमारी है। आप यहाँ पर सिखा सकते हैं लोगों की ब्लॉगिंग कैसे करनी है, ट्रैफिक कैसे लाना है, SEO कैसे करना है, फेसबुक पे एड्स कैसे चलाने हैं, गूगल पे एड्स कैसे चलाने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही महंगी महंगी एड देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल SEMrush आपकी वेब जो है यूट्यूब पर एड चलाएगा, वीडियोस पर एड चलाएगा, होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी एड चलाएगी, वहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप भी आ सकते हैं, आप अपनी अफिलिएट मार्केटिंग खुद भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अफिलिएट लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, एड्स तो फिर चलती हैं अफिलिएट मार्केटिंग, इन शॉर्ट आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है पैसे कमाने का। नेक्स्ट जो नीज़ है वो है हमारा मेक मनी ऑनलाइन। आप बहुत सारे तरीके बता सकते हैं जिसमें मेक मनी ऑनलाइन की चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एप्स में आप एप्स के रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, उसमें ब्लॉगिंग अफिलिएट मार्केटिंग सब आ गया, ऐप को रिव्यू कीजिए, स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए, मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, फ्रॉम देयर वेयर, जो भी इन शॉर्ट आपको इसके नीज के रिलेटेड भी आप अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट चलती है, अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। नेक्स्ट जो नीज है वो हमारा बिजनेस मार्केटिंग एंड स्टार्टअप से रिलेटेड। आपने शायद मेरा वन ऑफ द फेवरेट है एक यूट्यूब चैनल है स्टार्टअप ज्ञान, इसके अलावा कोई हो तो मुझे पता नहीं बट मैं इसी को देखता हूँ। स्टार्टअप से रिलेटेड आप वीडियोस बनाइए, स्टार्टअप कैसे काम कर रहे हैं, किसने कितनी फंडिंग एक्वायर की, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाइए कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, उनके कैसे काम करना है, मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाइए कि बिजनेस कैसे मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, फंडिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं, और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें बनाइए तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडसेंस अर्निंग, अच्छा RPM मिलने का चांस रहता है, अच्छी अच्छी एड्स आपकी जो वीडियोज के ऊपर चलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ग्रूमिंग, ब्यूटी, फैशन, ये तीनों चीज़ों के अराउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको ऐड देखने को मिलती है, काफ़ी यहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप भी बहुत सारी मिलती है। अर्बन गबरू है, बियर बाइसेप्स ने भी यहीं से स्टार्ट किया था आई थिंक, और उसने साथ जिमिंग से रिलेटेड स्टार्ट किया था, फिर बाद में इसमें हो गया था, फिर ऐसे बहुत सारे चैनल्स जो कि ग्रूमिंग फैशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाते हैं और वहाँ पर भी उनको काफ़ी अच्छी जो स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और एड्स भी काफ़ी तगड़ी चलती है, ब्यूटी से रिलेटेड ब्रांड्स उनकी चैनल के ऊपर एड्स चलवाते हैं और वहाँ से भी अच्छा खासा RPM जो है मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा पर्सनल फाइनेंस। अब मैंने फाइनेंस और स्टॉक से रिलेटेड पहले तो बहुत दो पॉइंट बता दिए ऑलरेडी, लेकिन पर्सनल फाइनेंस थोड़ा सा अलग आता है, आपको कैसे पैसे खुद के लिए पैसे बचाने हैं, कैसे आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, वैसे इस पॉइंट को आप उन्होंने के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको इनमें भी काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिनमें आप वीडियो बना सकते हो। और जहां बात पैसे की होती है, जहां पैसे कमाने की, पैसे बचाने की, इन शॉर्ट स्टॉक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बात होती है, वहां पर आपको अच्छी बहुत ही तगड़ी वाली जो है एडसेंस अर्निंग देखने को मिलती है और यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। ये तो हो गए हमारे कुछ 11 आइडिया जिनके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं, आप वहाँ से स्पॉन्सरशिप बढ़िया मिलेगी, अफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो, व्यूज के ऊपर आपको एडसेंस से भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। इसके अलावा भी कुछ बोनस है, जैसे कि आपका कार रिव्यूज है,
कोई बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट रिव्यूज है, फर्नीचर रिव्यूज है, उसके बाद हम बात करें तो NFT तो मैंने साथ बात कर ली है, उसके अलावा गार्डनिंग हो गया, होम इम्प्रूवमेंट हो गया, आप लोगों को कोडिंग सिखा सकते हैं, ARVR के बारे में बता सकते हैं, ARVR क्या है, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग सिखा सकते हैं, आप लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा सकते हैं, जो कि ब्लॉगिंग में आई थिंक कंसीडर कर लेना चाहिए, बट इन शॉर्ट वेबसाइट का डेवलपमेंट सिखा सकते हैं, आप किस अलग अलग टाइप की वेबसाइट बनाकर सिखा सकते हैं। इन सब में क्या होगा दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आएंगे, आपको वीडियो पब्लिश करो उसका एक दो महीने में व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन वीडियोस में काफी ज्यादा व्यूज आते हैं, क्योंकि ये जो सारे सर्चेबल टॉपिक्स हैं इनमें लोग सर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो बनाया और कल डेड हो गया, इनमें सालों तक सर्च करते रहते हैं। मैंने शायद एक दो साल पहले कुछ एक वीडियो बनाया था कि ब्लॉगर को एक ई कॉमर्स वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर कैसे बनाते हैं, उसमें डेली में पचास व्यूज आते रहते हैं, और आज उस चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज आके पड़े हैं, मेरे चैनल को लगभग 4,500 व्यूज पड़े हुए हैं, और इस तरह से काम चलता है। और एट लास्ट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इनके अलावा अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपको पसंद है, जिसके बारे में आपको वीडियोस बनाना पसंद है, तो आप सिर्फ उसके बारे में बताइए, इन शॉर्ट आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसी चीज के बारे में वीडियोस बनाएं, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपके इंटरेस्ट बिना की चीज में वीडियोस बनाएंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो आप जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, जिसके बारे में जानना पसंद करते हैं, उसी चीज के बारे में आप सिखाना भी पसंद आएगा, तो आप इसी तरह के वीडियो बनाएंगे। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी नीच खराब नहीं होता, बस इसमें व्यूज अर्निंग का ही डिफरेंस होता है, क्या होगा ज्यादा या थोड़ी बहुत कम अर्निंग हो जाएगी, लेकिन आपको पसंद की चीज आप कर देंगे। तो ये तो क्या हमारा सारे 11 प्लस बोनस टॉपिक जिनके बारे में आप YouTube पर वीडियोस बनाकर ज्यादा ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, एडसेंस के थ्रू, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, या फिर स्पॉन्सरशिप के थ्रू। अगर आपको वीडियोस पसंद, वीडियो ये वाली पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर आपको पास कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछना जरूर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय।